हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद हाशमी है। मैं आपको एक्सट्रीम कॉमर्स की प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहा हूँ। आज हम लोग इलस्ट्रेटर सीखने जा रहे हैं। इलस्ट्रेटर के बेसिक टूल्स वगैरह कैसे यूज़ किया जाता है, इलस्ट्रेटर किस तरह से चलाया जा सकता है। न्यूबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, देख के वो आराम से इलस्ट्रेटर चलाना सीख सकते हैं, अपने बेसिक टास्क निकाल सकते हैं इसके थ्रू, इस ट्यूटोरियल के थ्रू। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर। सो गाइस, ये मेरी स्क्रीन है। हम लोग इधर इलस्ट्रेटर ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। मेरे पास एडोब का 2020 का वर्जन है। इसके अंदर हम लोग बेसिक टूल्स वगैरह सीखेंगे। कुछ नए टूल्स भी अगर नज़र आ जाते हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लें। क्या बेसिक कोशिश यही होगी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टूल यूज़ हो रहे हैं वही मैं आपको सिखाऊँ, जो वही बताऊँ मैं आप उसको। नए टूल्स का हम लोग जस्ट सरसरी सा देखें, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। वैसे भी ये क्रैश कोर्स है तो इसके अंदर हम लोग जनरल चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम आप इलस्ट्रेटर खोल लेते हैं तो आपके पास कुछ इस जैसी स्क्रीन आती है, जिसके अंदर आपके पास रिसेंट में जो अगर कोई फाइल खोली हुई होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, लिस्ट डाउन हो जाएगी। ऊपर पर आपके पास ये वाला ऑप्शन है, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। तो यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट आप चूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली काम करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और डिटेल में खोल देखना है खोलते वक्त, तो आप क्रिएट्स न्यू पे जाएंगे। तो ये जैसे फोटोशॉप में खुलता था न्यू डॉक्यूमेंट का सेक्शन, ये सारे प्रीसेट्स बने हुए थे रिसेंटली जो यूज़ किए वो यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास। अगर आपने कोई प्रीसेट खुद से बना के सेव किए हुए वो आप खोल सकते हैं यहाँ से और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा मोबाइल के कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, वेब के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप नाम डाल सकते हैं। बिल्कुल फोटोशॉप की तरह कोई भी प्रीसेट का नाम डाल सकते हैं, हाइट वेट डिफाइन कर सकते हैं, टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट बेस है इलस्ट्रेटर, पिक्सल भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन है जो कि आर्ट बोर्ड का है, ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में बेसिकली आप लैंडस्केप और उसकी जो जिस तरह आपको तस्वीर बनानी है उस तरह का एडजस्टमेंट होके ये बन जाती है तस्वीर, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड के अंदर। जैसे कि अगर आप लंबाई में बनाना चाह रहे हैं तो ये आप ये वाला सेक्शन चूज़ कर लेंगे, अगर आप चौड़ाई में बना रहे हैं तो आप ये वाला सेक्शन चूज़ कर लें। और आर्ट बोर्ड ये है कि इसी साइज़ के मल्टीपल आर्ट बोर्ड खुल जाएंगे सेम साइज़ के, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। जैसे बुक का कवर हो गया तो आपने दोनों साइड बनानी है तो एक साथ आपने दोनों के आर्ट बोर्ड्स खोल लिए और आप एक साथ दोनों पे काम कर सकते हैं। या कोई ऐसी ग्राफिक बनाई है जो कि एक पेज से होते हुए दूसरे पेज पे जा रही है तो वो आप इसके ऊपर रख के ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ब्लीड मोड है, ये आपके गैप जनरेट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन है, मोर सेटिंग्स वगैरह है, यहाँ पर आप और ऑप्शंस देख सकते हैं। ये पुराने इलस्ट्रेटर में इस तरह का खुलता था पहले, प्रीसेट्स वगैरह, यहाँ से आप जा सकते हैं मज़ीद डिटेल के अंदर। यहाँ पर टेम्पलेट्स भी हैं बने बनाए ब्लैंक, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। ये फोटोशॉप के अपने होते हैं, सॉरी फोटोशॉप कह रहा हूँ, इलस्ट्रेटर के अपने होते हैं, ये आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, वो भी उठा सकते हैं, कैंसिल करते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल रखना चाह रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पर आए A4 साइज़ पे अगर आप क्लिक कर सकते हैं, ये दूसरे पे क्लिक करना चाहें किसी पे भी क्लिक करना है, तो ये आपसे कुछ जनरल सी चीज़ पूछेगा और आपको फोटोशॉप पे खोल देगा। जैसे इसको डायरेक्टली खोल दिया, अगर हम बंद कर देते हैं, आप कस्टम साइज़ पर आते हैं तो ये जनरल आपसे हाइट और विड्थ पूछेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ। फॉर सपोज मैं रख देता हूँ 900 बाई 450, तो ये डायरेक्टली खोल देगा। तो मैं इसमें अगर नाम वगैरह डाल सकता था, इसने डायरेक्ट खोल दिया है। तो ये आपकी एक स्क्रीन आ गई यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे फोटोशॉप में है हमारे पास, और चार सेक्शंस हैं इसके भी। यहाँ पे राइट सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास टूल बार्स आते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी चीज़ इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। टॉप बार हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, सही है, जिसमें आप यहाँ से फाइल खोल सकते हैं, न्यू और ओपन कर सकते हैं, टेम्पलेट्स खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं फाइल को, सही है, एक्सपोर्ट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। सही है। अच्छा, इसके इस टूल को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप विंडोज़ में जाएँ यहाँ पे, तो आपके पास वर्क स्पेस का एक सेटिंग अवेलेबल है, एसेंशियल्स हैं, जिस तरह के आपको काम करना है उस तरह के इंटरफेस आपका बन सकता है। जैसा अगर पेंटिंग दबाते हैं फॉर सपोज, तो पेंटिंग के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ दोबारा से ताकि ये आपको मज़ीद डिस्टर्ब ना करे। तो देखेंगे यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग के हिसाब से ब्रश टूल खोल दिया है, स्वेचेस खोल दिए, कलर्स पैलेट खोल दिए। अब सपोज करें अगर आप कोई और
एसेंशियल यूज़ करना है, अगर आप वेब कर करना चाहते हैं तो वेब के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। मोस्टली आपके राइट साइड के ऊपर वो ज़्यादा चेंजेस करता है, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल रहती हैं। अगर आपके कोई टूल बंद हो गए हैं तो आप यहाँ से जाके रिसेक कर सकते हैं, रिसेक करेंगे तो हर चीज़ प्रॉपर जैसे वेब की उसके अंदर ऑलरेडी सेव्ड है उसी तरह के स्पेस के अंदर ये दोबारा से इंटरफेस पे चला जाएगा। सही है, अब हम आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर। राइट साइड के ऊपर हमारे पास नॉर्मली प्रॉपर्टी आ रही है जो भी हमने यहाँ पे अभी इमेज खोली है उसके बारे में। अगर हम लोग कोई चीज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये उसकी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी शो करना गया। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं ड्रॉ करते हैं और नॉर्मली रहते थे तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा है। इसमें आप रूलर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, आप ग्रिड्स ऑन कर सकते हैं इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट की सेटिंग है बेसिकली सारी, ये आर्टबोर्ड है बेसिकली आपका, ये एक आर्टबोर्ड कहलाता है। इसके अंदर आप इसको मल्टीपल भी बना सकते हैं, बहुत सारे बम बन सकते हैं, तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल आर्टबोर्ड्स ऐड हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई इमेज बनानी है जिसके मतलब डिफरेंट बोर्ड्स अवेलेबल हैं आपके पास, तो पूरी ग्राफिक्स पूरे इसमें मूव हो रही है, तो इतने बड़े आपने आर्टबोर्ड बना लिया उसके अंदर आपने यूज़ कर लिया, नहीं है तो आप वैसे डिलीट कर दें। इसके बने बनाए और भी सेक्शन हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि आप बड़े स्क्रीन की बड़ी रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं एक साथ मल्टीपल आर्टबोर्ड के ऊपर। सही है, उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं, वेरिएबल्स हैं। सही है, आपके पास ये एक्शन है, आप एक्शन बना के प्ले कर सकते हैं। कुछ रेडीमेड एक्शंस बने हुए हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए, वॉट एवर जो भी आप यूटिलाइज करें। ये इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो वह किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कहाँ मौजूद है। जैसे कि फॉर सपोज आपने ये कोई ड्रॉ किया तो इसने पिक्सल वगैरह बता दिए कितने पिक्सल का साइज़ है, ये वाई एक्सिस में इस जगह और एक्स एक्सिस में इस जगह मौजूद है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये हमारे पास टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, इसके अंदर फॉन्ट्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टाइप ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ का ऑप्शन है, टाइप फेस है, कोई भी दूसरा फॉन्ट यूटिलाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी तरह के डिटेल ऑप्शन है बहुत सारे, आप इसको मजीद इस तरह से खोलेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपके पास खुल के सामने आ जाएंगे। इसमें ये अपीयरेंस का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे भी मौजूद है और ये यहाँ पे भी मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपके पास ओपन हो जाती है। तो बंद कर लें। टूल्स की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग रास्टर और वेक्टर का फ़र्क देख लेते हैं कि अगर जैसे आपने एक इमेज यहाँ पर ड्रॉ की है तो अगर हम इसको पे जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके मैक्सिमम जूम इन पे भी अगर हम लोग चले जाते हैं तो ये बहुत स्मूथ है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। सही है, ये बहुत आपको क्लियर दिख रहा है, इवन दो आपने इतना जूम इन कर लिया है तब भी ये ख़राब नहीं हुआ है। सही है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग ये इमेज की कॉपी लेते हैं और इसको रास्टराइज कर लेते हैं, यहाँ से जाके इफेक्ट के अंदर इसके अंदर रास्टराइज के अप्लाई कर देते हैं, तो रास्टराइज में मसला ये होता है कि जब आप इस पर जूम इन करेंगे तो इसके पिक्सल आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि पिक्सल इस तरह से सेट हुए हैं, तो ये डिफरेंस होता है। फोटोशॉप के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से बनती है, पिक्सल बेस होती है, और जब आप इलस्ट्रेटर पर ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट बेस होती है, वो किसी भी लेवल पर आप चले जाए तो ग्राफिक्स ख़राब नहीं होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसके बगैर आप काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शॉर्टकट की है। इसके अंदर जैसे आप स्पेस बार दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक हैंडल टूल आ जाएगा, इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड को, अदरवाइज आपको इतना आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वो दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको मूव कर सकते हैं, तो शॉर्ट की बहुत काम आती है इस तरह के मूवमेंट के लिए, और इस तरीके से आप अपना आर्टवर्क मूव कर सकते हैं। दूसरा टूल है जूम का, अल्ट दबा के स्क्रॉल करेंगे तो जिस तरफ आप स्क्रॉल कर रहे हैं उस तरफ ये जूम इन जूम आउट होगा, ये भी आपके इम्पोर्टेंट टूल है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक कंट्रोल से भी, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से भी जूम इन जूम आउट हो रहा होता है। मैंने कहा कि आपको बताता चलो कि इसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, ये शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चल लेते हैं पेन टूल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर का।
यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक पेन टूल का और एंकर पॉइंट टूल का ना, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट सी। ये बेसिकली आपका जो आर्क होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। चलें अभी पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं पेन टूल को। पेन टूल आपने लिया, ये भी फोटोशॉप की तरह काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके साथ साथ चलता रहेगा जहाँ तक आप माउस लेके जाएंगे, विदाउट क्लिकिंग भी आपको बता रहा होगा कि आपका पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, और साथ साथ आपको वो पिक्सल भी बता रहा है कि आपने कितना पिक्सल कवर अप कर लिया। फिर आप जब दूसरा क्लिक करेंगे ये वो वहाँ पे पॉइंट जोड़ देगा। इस तरीके से आप क्लिक करते जाएंगे तो पॉइंट जुड़ता जाएगा, और जब आप पुराने एंड पे एंड को फर्स्ट के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे सर्कल बना हुआ आएगा, सर्कल बना हुआ आएगा। तब जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट बन गया है, एक शेप कंप्लीट हो गया है। सही है, अब इसके अंदर आप कोई कलर्स डाल सकते हैं, सही है, इसको कोई स्ट्रोक दे सकते हैं। अच्छा, इस बटन से आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं कि स्ट्रोक का कलर आपके फिल में चला जाएगा और फिल का कलर आपके स्ट्रोक में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नन का, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, ये आपने इसी तरह का टूल का बटन दबा दिया, जब ये शो करा रहा है बार का वो आप क्लिक कर दें तो वो हट जाएगा। आप यहाँ पे आए, दोबारा क्लिक किया आपने, ये दोबारा हट गया, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये मौजूद है लेकिन इसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं है, तो आप इसको कोई कलर दे सकते हैं। जैसे आपने स्ट्रोक को कलर दिया लेकिन अंदर फिल को कलर नहीं दिया तो वो एम्प्टी आ रहा है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको कोई कलर दे दिया। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट को कलर दे सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं। सही है, हम पेन टूल पे थे। अच्छा, पेन टूल के अंदर हम लोग एक कुछ चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको दिखाते चलें कि जैसे ही आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया तो अब आप चाहते हैं कि आप उसके पुराने पॉइंट्स को देखना चाह रहे हैं। सही है, तो आपने सबसे पहले पी दबा दिया, जैसे आप उस पॉइंट पे जाएंगे तो ये माइनस बना हुआ आता है। माइनस का मतलब ये होता है कि ये इसको यहाँ से कट कर रहा है, रिमूव कर रहा है इस पॉइंट को। किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो ये रिमूव के लिए माइनस बना हुआ आएगा, और कोई ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे एक क्रॉस आ रहा है पाथ के अंदर, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐड कर देगा। फिर आप इस पॉइंट को ए दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल के अंदर, तो ये इस तरह से हो सकता है। फिर दबा पी दबा दें, इस पॉइंट पे आए माइनस करें तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से अगर आप, ये तो मैंने सॉलिड पॉलीगोनल किस्म की कोई तस्वीर बनाई है, कोई इमेज बनाई है, तो इमेज, सॉरी इमेज कह रहा हूँ, शेप बनाया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कुछ थोड़ा सा कर्वी टाइप इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ पेन से। अब मैंने यहाँ गया, मैंने क्लिक किया और मैंने ड्रैग किया, ड्रैग किया तो ये हमारे पास हैंडल्स निकल आए हैं इसके, इस पॉइंट के, और ये हैंडल मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं इसका आर्क बना सकूँ किसी भी शेप के अंदर। तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। अब ये आगे मजीद कंटिन्यू करके भी बता रहा है कि अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये इतना बैंड हो सकता है, इसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाएगा, इस तरह बैंड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक ये सही बैंड कर रहा है, सही है, इसी तरह से ये यहाँ पे भी आप घुमा सकते हैं, ये इतना बैंड करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। प्लस ये है कि आप चाहें तो कंट्रोल दबा के इस हैंडल को पकड़ सकते हैं और इसकी इस साइड को छोटा कर सकते हैं। सही है, जैसे अगर आपने छोटा कर दिया तो अब ये लाइन इस तरीके से कम बेंड हो रही होगी, स्ट्रेट में ज़्यादा जा रही होगी। आप कंट्रोल दबा के हैंडल को बड़ा कर देंगे तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी और बड़े आर्क बनाने की कोशिश करेगी। सही है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये शेप बन जाएगा। इसी तरह फिर आप और घुमा लें, आपने और घुमा लिया और एक पूरा आपने ओवल टाइप एक शेप बना लिया। सही है, अब आपके पास जो दूसरा टूल है एंकर पॉइंट का, ये आप सेलेक्ट कर लें। अब जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा, इसके आर्क को ख़त्म कर देता है ये पॉइंट, ये टूल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसने यहाँ से ख़त्म कर दिया, इधर का ख़त्म है, आपने यहाँ क्लिक किया इधर का भी ख़त्म है। अब ये रह गया, अब इसके दो हैंडल्स हैं, ये बेसिकली इसके हैंडल्स कोड आता है, ये क्लिक किया ये दोनों इसके हैंडल्स गायब हो गए और एक ये पॉलीगोनल शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये टूल का ये फ़ायदा होता है। प्लस आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल है कि जैसे कि अगर आपने उड़ा दिया, अब आप चाहते हैं, आप ए दबाइए, ये बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ऑप्शन है, ये आपका सिलेक्शन टूल है वी, जो आपके पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, और ए दबाएंगे तो ये बेसिकली किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट को ये पकड़ लेता है। अब जैसे हमने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, हमारे पास यहाँ पे मजीद ऑप्शन है कि हम इसके स्मूथ कर्व बना सकते हैं, कन्वर्ट इन टू सिलेक्ट आर एंकर पॉइंट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आर्क इसके बन जाएंगे, इसके हैंडल आ जाएंगे। तो हम इसको फिर दोबारा से, ये बेसिकली उसका इन्वर्स टूल है वो एंकर का,
कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आके आप क्लिक कीजिए, इसके हैंडल बन जाएंगे। सही है, तो आप अगर डिलीट कर दिया तो आप इस तरह से मजीद हैंडल दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं पॉइंट्स को, सिर्फ पकड़ के इस तरह क्लिक करके। तो आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें तो ये इस तरह से बन जा सकता है। अब हम आ जाते हैं इसका दूसरे टूल पेन के, ये फ्री पेन टूल है, बेसिकली कर्वेचर टूल कहलाता है ये। आप अगर आपके पास टैब टैब है या आपके पास पेन है, ग्राफिकल पेन है, तो आप उससे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरीके की अच्छी ड्राइंग देता है, ये एक थोड़ा सा आपको स्मूथ लुक जनरेट करने के लिए दे सकता है। इसका भी एक अपना यूज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको फील करेंगे, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चल रहा है पेन टूल्स, स्मूथ भी है। जैसे इस पर क्लिक किया तो इसने, कहीं पे भी आपको ऐसा शेप नहीं दिख रहा होगा कि वो अनरियलिस्टिक लग रहा है। ये हो सकता है कि ये इस तरह का शेप हो किसी चीज़ का, तो ये थोड़ा सा इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक शेप बनाने के लिए यूज़ हो सकता है ये टूल। जैसे कि कोई मैं मछली का जैसा शेप बनाना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और मैंने ये थोड़ा सा यहाँ क्लिक करके फिर मैंने यहाँ से यू क्लिक किया, यू किया, यहाँ से क्लिक किया और ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये इस तरह का शेप बन जाता है। फिर आप वो पॉइंट पकड़ के हैंडल से मज़ीद इसको बेहतर भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो ये थोड़ा स्मूथ टूल, स्मूथ पेन है, कोई भी चीज़ आप स्मूथ बनाना चाह रहे हैं तो वो इस टूल के थ्रू आप बना सकते हैं, कर्वेचर टूल कहलाता है। सही है, तो ये हो गया हमारा पेन टूल। पेन टूल हमने डिस्कस कर लिया, पेन टूल के मेरे ख्याल से मज़ीद अच्छा ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से अलग पैलेट में भी जा सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। सही है, अब हम आ जाते हैं, अपने पेन टूल में डिस्कस कर लिए, अब हम लोग शेप टूल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास तीन चार किस्म के शेप्स रेडीमेड नज़र आते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर के लिए आप एम दबा सकते हैं, तो एम से वो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, जैसे ये एम से ये आ गया और एल से आपके पास एक लिप्स टूल्स का सिलेक्शन बनने के मिल जाता है, जिससे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगॉन का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आप इसमें जाके डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं। स्टार टूल है, स्टार टूल में बेसिकली जब आप इस पर ऐसे ही जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको स्टार का रेडियस क्या रखना है, पॉइंट्स कितने रखने हैं, सिक्स कॉर्नर वाला स्टार रखना है, दबाएंगे तो इस तरह का आपके पास शेप जनरेट हो जाएगा स्टार का। फिर आप चाहें तो कंट्रोल टी या सिर्फ कंट्रोल दबा के इसके ट्रांसफॉर्म पर टूल्स आ जाते हैं, आप इसको पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो इसका एस्पेक्ट रेशियो सेम रहेगा, शिफ्ट छोड़ देंगे तो आप इसको इस तरह से एस्पेक्ट रेशियो के अगेंस्ट पे भी बना सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स बेस होते हैं, तो पॉइंट बेस का मतलब ये है कि अगर आप ए दबाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए तो आप इसमें पॉइंट्स पकड़ सकते हैं और उस पॉइंट को ड्रैग एंड ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में घुमा सकते हैं। जैसे आपने सर्कल का ये पॉइंट पकड़ा, आपने ड्रैग कर लिया, तो ये चीज़ कर सकते हैं। साथ में इसके पास भी हैंडल है, जैसे पेन टूल में हैंडल होता है, इसमें भी हैंडल मौजूद है। तो इस तरह आप शेप चेंज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को पकड़ के आप डिलीट दबाएंगे तो इस तरह ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करने का एक नुकसान होता है कि पाथ कंप्लीट नहीं होता, तो पी दबा के आप टूल सेलेक्ट करें, यहाँ पे एंकर हिक एंकर को यहाँ से क्लिक करके दूसरे एंकर पे लाएंगे तो सर्कल होगा, ये बता रहा है कि इससे ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और सिंपली अगर आप पेंट पेंट टूल लेते हैं और कोई पॉइंट एंकर डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो सकता है। ये ख्याल रखिएगा अगर थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू जनरेट कर देगा, तो ये माइनस को प्लस कर देता है, तो बेसिकली जो अब पॉइंट है उसको ही वो माइनस करें। देखिए जब आपके टूल के साथ माइनस का साइन आ रहा हो तभी क्लिक करें ताकि फिर वो काम करेगा, अदरवाइज वो प्लस ऐड होता चला जाता है। उस पर्पज़ के लिए आप उसको जूम इन करके भी देख सकते हैं प्रॉपर, तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि एंकर कहाँ पर है। अब आप एक और टूल देख सकते हैं कि जैसे कि आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, जैसे क्लिक करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी एक पॉइंट की, तो वो आप पकड़ सकते हैं एक सेक्शन को। जैसे पकड़ पड़ेंगे तो एक ही छोटा सा आपके पास सर्कल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेडियस जनरेट करता है, इधर कर्व बना देगा इस पॉइंट को। जैसे ही आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये भी इस तरह से एक रेडियस जनरेट कर रहा है, आर्क बना रहा है उस पॉइंट को, ये स्मूथ कर दिया उसने। पहले ये बिल्कुल कॉर्नर
नोकीला कॉर्नर था, एजीता, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। इसी तरह आपने इधर पॉइंट किया तो यहाँ पे भी इस तरह के टूल आया जो आर्क टूल के जैसा है, आपने उसको पकड़ कर ड्रैग किया तो इसने इस तरह से शेप को कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के इसके एंकर पॉइंट से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसको आप स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं, और जैसे कि आप उस पर फिल कर सकते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको कलर से भी फिल अप कर सकते हैं। तो इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेन से भी आप कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे बने बनाए रेडीमेड शेप्स हैं वो भी कर सकते हैं, या लाइन भी है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी, अगर आप सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खोल देता है जो पूछने लगता है कि आपको किस एंगल के अंदर वो लाइन ड्रॉ करनी है, कितने लेंथ की ड्रॉ करनी है, तो ये आपने दबाया तो उतने लेंथ की उस एंगल के अंदर वो लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये इसी तरीके से आपने रेक्टेंगल पकड़ा, आपने क्लिक किया, इससे पूछ लिया हाइट विड्थ कितनी चाहिए, आपने ये बड़ा बटन दबा दिया कि भाई कांस्टेंट रहे, तो ये बटन दबाया तो ये कांस्टेंट के साथ बढ़ेगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप एक साथ सारे ये दबा के ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए तो एक साथ भी आप सारे के सारे पॉइंट्स को कर्व कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप मैक्सिमम पे जाएंगे तो ये लाल कलर का ये इंडिकेटर कर देता है कि ये मैक्सिमम पे जा चुका है, इससे ज़्यादा ये कर्व पे नहीं जा सकता, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर आप इसको बाद में सही भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये दोबारा क्लिक किया तो आप इसको वापस रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स भी हो जाएगा। तो इस टूल का इस तरह के फ़वाद हैं इसके अंदर। फिर आप स्ट्रोक बढ़ा भी सकते हैं, किसी का ठीक ठाक स्ट्रोक बढ़ा दें, किसी का कम कर दें, सही है। उसके अलावा स्ट्रोक के अंदर आपके पास ऑप्शन भी है कि कॉर्नर्स आप स्मूथ रखना चाहते हैं, एजी रखना चाहते हैं, ये सारे डिटेल में है। और इसके अंदर आपके वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आर्क स्टाइल्स भी मौजूद हैं, इस तरह से भी आपको एक खूबसूरत फ्रेम बना सकते हैं इसका। तो ये मजीद स्ट्रोक के ही बेसिकली ऑप्शन है, वैसे यूनिफॉर्म होता है बाई डिफॉल्ट, तो यूनिफॉर्म इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसको हम लोग डिफॉल्ट वन पे ले आते हैं तो ये जैसे रिसेक्ट हो गया। अच्छा, जैसे कभी कभार एक इस तरह की हो कि आपको क्लिक हो और आपका ऑब्जेक्ट छूट जाए तो फिर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होगी, तो आपको पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। जब सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का एक एंगल आ जाएगा जो नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर की सिलेक्शन आ रही होगी, तभी इसके ऊपर ये चीज़ काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी, ये ऑप्शन टूल्स काम नहीं करेंगे। ये हो गया सारा शेप टूल से रिलेटेड, आपने देखा इसमें सारे ऑप्शन हमने देख लिए, स्टार भी देख लिए, पॉलीगॉन भी देख लिया, इस लाइन सेगमेंट वगैरह भी देख लिया। आप इसमें कस्टम भी बना सकते हैं, कस्टम शेप्स भी डाल सकते हैं, उसके भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ जो कि है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे आप क्लिक करें, टी पे क्लिक करके दबाएंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ये नॉर्मल टाइप फेस है तो आप डायरेक्टली टाइप टूल क्लिक करें और लिखना शुरू कर दें, ये डायरेक्टली लोअर में इसको डाल देता है खुद से ताकि आप कुछ लिखना चाहें, दिस इज ए टेक्स एरिया लिख दिए। अच्छा, आप इसको कंट्रोल इंटर दबाएंगे तब फिर ये इस तरह से आ जाएगा, आप इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से वी दबाना पड़ेगा इसको रिलीज करने के लिए। अब आपने ये टेक्स यहाँ से लिया, अब आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, शिफ्ट दबा कर रखेंगे तो आस्पेक्ट रेशियो खराब नहीं होगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप दोबारा से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, सही है। उसके बाद फिर आप दोबारा से ये मूव टूल पे जाके वी पे क्लिक कर देंगे सिलेक्शन टूल पे तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा, या कंट्रोल इंटर दबा देंगे तब भी इस तरह पोजिशन में चला जाएगा। यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपके पास करेक्टर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी करेक्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आप टाइप फेस चेंज कर सकते हैं, कोई डिफरेंट किस्म का टाइप फेस आप चाहते हैं। अच्छा, जो चीज़ आपने लिखी है वही चीज़ यहाँ ये लिखा हुआ शो भी करा रहा है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कैसा दिखेगा, इस ये सेंटेंस कैसा दिखेगा इस टेक्स्ट फॉन्ट के अंदर ना। जैसे अगर सर ये फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ आ गया, सही है। अब ये सेमी लाइट हो गया, इसका टाइप आप इसको आप ले जाएं बोल्ड के ऊपर तो बोल्ड में ये इस तरह का लुक जनरेट करता है। अच्छा, अब हम इस पर डबल क्लिक करके इसमें एक इंटर लगा देते हैं, ये दो लाइन में चला गया। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लें दोबारा से, सही है। अब आप इसके दोनों टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं, ये बने बनाए प्रीसेट्स हैं, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से ज़्यादा बड़े नंबर भी डाल सकते हैं, जिसमें वो काफ़ी नीचे तक चला गया, सही है। उसके अलावा आप यहाँ पे स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट के बीच की, तो जैसे कि आप इसको
ले जाए 100 पे 100 पे, इस तरह का लुक जनरेट करेगा। आप इसको माइनस में भी लेके जा सकते हैं, तो बहुत क्लोज क्लोज टेक्स हो जाएंगे, सही है। और इस पे आप राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन भी कर सकते हैं। ये जैसा फोटोशॉप में हमने कन्वर्ट इनटू शेप करते थे, कंट्रोल शिफ्ट ओ है इसका शॉर्टकट, ये दबाएंगे तो ये अनएडिटेबल होगा, लेकिन ये एक वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप दोबारा से ए दबा के इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। आप थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम इस तरफ देखने के लिए। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम ये टी को अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। ये लोगो बनाते वक्त आपको अपनी मर्जी से कोई स्पेसिंग करनी है, ई को अलग से थोड़ा सा घुमाना है तो आपने इसमें कंट्रोल दबा के थोड़ा सा इसको इस तरह का शेप दे दिया, सही है। ये आपका एक लोगो का स्टाइल बन सकता है। इस तरह से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप आई का नुकता हटाना चाह रहे हैं, अपना कोई और सर्कल यहाँ से पिक करना चाह रहे हैं, शेप में जाके आपने कोई दूसरा चूज चुन लिया, तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं दूसरा शेप और टेक्स्ट का इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये वापस टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, ये एडिट नहीं हो सकता। ये अब शेप बन चुका है, इसके अंदर पॉइंट्स जनरेट हो चुके हैं, इस पॉइंट को आप एडिट कर सकते हैं। वही पेन टूल से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, सही है, और पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास कर्व का ऑप्शन है, आप इसमें कर्व जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट में है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपको एक नया टेक्स्ट दोबारा से लिखना पड़ेगा, सही है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको कन्वर्ट इनटू आउटलाइन करें तो एक कॉपी अपने पास ज़रूर सेव कर लिया करें, ताकि बाद में कभी आपको उस लोगों का टेक्स्ट बताना पड़े या फॉन्ट बताना पड़े कि कौन सा यूज़ किया है, तो आपके पास वो मौजूद हो, याद रहे आपको। ये हो गया टेक्स्ट इस तरह से। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है, ये है पाथ के ऊपर टेक्स्ट चलाने के लिए। जैसे आपने क्लिक किया, अब ये लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही आएंगे ये पाथ इसने पकड़ लिया, पिंक कलर का इसने दिखा दिया पाथ। आपने इस पर क्लिक किया तो टेक्स्ट इसने इस पाथ के ऊपर लिख दिया। तो आप किसी भी शेप के ऊपर इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं और उस शेप के ऊपर वो टेक्स्ट घूम सकता है। इसके अंदर कुछ और इसके हैंडल्स हैं जिसको आप मूव कर सकते हैं, कि वैसे आपने यहाँ मूव कर दिया, आपने थोड़ा सा इसकी पोजीशन वगैरह टेक्स्ट की मूव कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं, गलत क्लिक ना कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो, लेकिन आपको समझ आ जाएगा जिस तरह से आप इसको मूव करना चाहें। तो ये है सारा चीज़, यहाँ पर कंट्रोल है, ऐसे ए दबा के आप ये पॉइंट थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये इस शेप के हिसाब से टेक्स्ट भी मूव हो रहा है। छोटा कर दिया तो ये करीब करीब आ गया, कुछ टेक्स्ट छुप गए इसके अंदर क्योंकि जगह से वह कम पड़ गई, आपने बड़ा किया तो प्रॉपर टेक्स्ट दोबारा से आपको नज़र आ गया। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन है वर्टिकल टाइप लिखने के लिए। ये बेसिकली वर्टिकली आपको लिखने की हेल्प कर सकता है, सही है। दिस इस तरह से आप लिख लें, दिस इज ए वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये भी आप इस तरह का लिख सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के साथ और बहुत कुछ खेलने का है, आप इसका पैराग्राफ का सिस्टम भी है। जैसे फॉर सपोज मैंने यहाँ पे टाइपफेस सेलेक्ट किया, मैं अभी ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओए सॉरी, ये मैं यही दिखाना चाह रहा था जो इसने किस तरह बना ली। तो पहले आपको ये याद रखिएगा कि टू आप कौन सा टूल सेलेक्ट किए हुए, तो सबसे पहले आप ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें ताकि आप अभी सिलेक्शन पे जा रहे हैं। तो ये आपने ये किया, सारे के सारे चीज़ सेलेक्ट हो गई है। इस तरह से भी ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये सारी चीज़ खुद बहुत पकड़ लेगा, और फिर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट का सिंपल बटन दबा दें, डिलीट हो जाएगा। आपके पास टेक्स है, आप यूं करके क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये बेसिकली एक बड़ा एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इस लोरम एक्सम के टेक्स्ट इसको भर देगा। हमने हाइट बढ़ाई भी थी, हम इसको ऑटो पे ले आते, तो ये इस तरीके से इसने टेक्स्ट दिखा दिया कि इस पैरा के अंदर ये टेक्स्ट है। आप इसके आप कॉपी पेस्ट मार लें, स्पेस 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 स्पेस, तो आप नोट करेंगे कि जिस बॉक्स आपने बनाया तो ये उसके अंदर ही मौजूद है। जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उसके अंदर ही लिखाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अब इसके अंदर पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये अभी हमारा लेफ्ट लाइन हुआ हुआ है, ये सेंटर लाइन कर सकते हैं, राइट लाइन कर सकते हैं। फिर आप इधर आ जाएं, थोड़ा और ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह से, लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, और ये ऑल लाइन जस्टिफाई, सही है। तो लास्ट लाइन को भी फैला के इस पूरे शेप के हिसाब से फिट कर देगा।
तो ये सारे ऑप्शन हैं। इसके अंदर आप पैराग्राफ के डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, याद रखें सिलेक्शन रहनी चाहिए वरना इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। अब ये देखें, इसने राइट साइड से स्पेस जनरेट कर दिया, सही है। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से स्पेस जनरेट कर सकते हैं। आप फर्स्ट टेक्स्ट को घसकाना चाह रहे हैं, फर्स्ट लाइन को घसकाना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। अभी एक ही इस तरह का भी ऑप्शन है, ये कुछ एडवांस लेवल का है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। वैसे आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि इसको हमने क्या किया। इसको हम रिसेट कर देते हैं 0 0, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, सही है। तो अब आपने टेक्स्ट के कुछ बहुत सारे ऑप्शंस जान लिए कि हम लोग टेक्स्ट के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ की अगर आपको कॉपी लेनी है इसके अंदर, तो आप अल्ट सिंपल अल्ट दबा के और ड्रैग कीजिएगा तो कॉपी बन जाएगी। ये शेप पे भी काम करता है, शेप लिया अल्ट दबाया, सही है, सॉरी क्लिक कर दिया, अल्ट दबा के कॉपी किया, तो इस तरह से ले लीजिए। अच्छा एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जैसे आप कोई कॉपी लेंगे और अगर शिफ्ट दबाते हैं तो ये उसी लाइन में मूव करेगा, सही है। अब आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके वर्टिकली मूव करे या इसके हॉरिजेंटली मूव करे, शिफ्ट का बटन आप दबा के रखिएगा। और इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है कि ये आपको बताता भी जा रहा है कि भाई अभी ये दोनों तीनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो ये भी आपको इंडिकेट करता रहता है कि आप किधर जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस पर जा रहे हैं और कितने इक्वल इस पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी टूल है इसके अंदर अवेलेबल है, जिससे आपकी परफेक्शन अलाइनमेंट हो सकती है इलस्ट्रेटर के अंदर। इसमें अलाइनमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मोर देन इन फोटोशॉप। आप चीज़ों को हर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं सारा सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन किया, तो ये इस तरीके से सेंटर लाइन मौजूद हो गया। हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कुछ चीज़ें सारी कवर अप कर ली हैं टैक्स रिलेटेड, वो आपको नज़र आ रही होगी कि हमने टैक्स का सारे ऑप्शन वगैरह देख ली हैं। अब हमने बेसिकली, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। एक छोटा सा और टूल है जो पाथ फाइंडर का टूल है, वो आपके पास नॉर्मली यहाँ पे खुला हुआ भी होता है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से विंडोज में जाके, ये है शिफ्ट कंट्रोल F9 दबाएंगे तो ये टूल आपके पास आ जाएगा। पाथ फाइंडर बहुत काम की चीज़ है, और इसके साथ अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट तो आप देख ही चुके हैं कि अलाइनमेंट किस तरह से काम करती है। दोनों को सिलेक्ट किया, सेंटर कर दिया, सेंटर हो गया, राइट पे किया, राइट पे चला गया, लेफ्ट पे किया, लेफ्ट पे चला गया, इस तरह की चीज़ है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये सारे अलाइन टूल आके। अब पाथ फाइंडर के अंदर ये चीज़ है कि जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट्स दो बनाए हैं, अब आप चाह रहे हैं कि इसके बीच का सेक्शन आप एक साथ काटना चाह रहे हो, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप इसको मर्ज कर सकते हैं, इसमें से एरिया कट कर सकते हैं, इसका सेंटर का एरिया निकाल सकते हैं और इसका सेंटर का एरिया बिठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, सही है। अच्छा मैं कलर भी दिखा देता हूँ, तो ये उसका ऊपर आइडिया हो जाएगा कि किसका कलर ये पकड़ रहा है, किसका नहीं पकड़ रहा, इसका भी अब एक आइडिया हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट पकड़ा आपने, मिक्स किया, तो इसने जो टॉप पे रखा था उसका कलर इसने ऊपर वाले में ब्लेंड कर दिया। अब दोनों को आपने डिलीट किया तो इसने इस सेक्शन को इस सेक्शन के साथ काट दिया, जो कि टॉप पे था उसको इस पे रख के काट दिया उसने। तो सिलेक्ट किया, सेंटर का एरिया निकाला, इसने सेंटर का एरिया कट कर लिया। अब सेंटर का एरिया वो गायब करना चाह रहे हैं, इसने सेंटर का एरिया इस तरह से गायब कर लिया। पाथफाइंडर बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से भी काम करता है। इसमें डिवाइड का टूल है, जैसे हमने डिवाइड किया तो ये तीनों हिस्सों में डिवाइड हो गया, अब ये बेसिकली ग्रुप हो जाता है। इसको यहाँ से आपने अनग्रुप किया तो आप इसके अलग अलग पीस निकाल के इस तरह ट्रैक कर सकते हैं, तो ये कटिंग टूल के तौर पर भी काम कर सकता है। तो इसकी भी और मज़ीद ऑप्शन है, वो आपको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं। मोस्टली ये वाले टूल इस्तेमाल होते हैं पाथफाइंडर के। चलें अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। अब हम लोग इधर ये भी देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को कोई इमेज यहाँ पे डालनी हो, अगर रास्टर बेस तो इलस्ट्रेटर के लिए वेक्टर बेस है, तो इसके अंदर कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ला सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास शिफ्ट कंट्रोल पी का टूल है, और ये फाइल के अंदर से जाके भी आपको मिल सकता है प्लेस टूल। यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ से आप कोई भी इमेज अपनी जाके उठाना चाहे तो वो उठा लें। जैसे कि मैं सपोज करो ये वाली इमेज उठा लेता हूँ वेक्टर की, ये क्या करता है कि मेरे माउस के साथ एक इमेज जनरेट करती है। तो बेसिकली जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ये इतने बड़े साइज में यहाँ प्लेस हो गई। तो ये क्या करता है कि जो उसकी ओरिजिनल साइज है उसके साइज हिसाब से वो यहाँ पे प्लेस हो जाता है, और साथ में इसके कस्टमाइजेबल कॉर्नर्स अवेलेबल हो जाते हैं सिलेक्शन के, तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा इसमें भी वही शिफ्ट दबा के आप रखेंगे तो रेशियो बराबर रखेगा,
और इसका प्लेस कर सकते हैं। ये याद रखिएगा ये वेक्टर नहीं है, ये रास्टर इमेज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये पीएनजी है तो ये शेडो इसका पीछे हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर या फाइल के ऊपर गिर रहा है, तो ये लग रहा है कि ये इसी का ही पार्ट है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप प्लेस टूल में दोबारा से जाएं, इमेज उठाएं और आप इसको सिलेक्शन जगह दें, तो ये बताएं कि भाई मुझे इतने एरिया में ये इमेज प्लेस करनी है। जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे तो ये उतने एरिया में उस साइज का यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फिर इसके अंदर वही ट्रांसफॉर्म के टूल्स वगैरह राइट क्लिक करके आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना, हॉरिजेंटली या एंगल में रिफ्लेक्ट करना है, जो भी करना। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं साथ साथ, जरूरी नहीं कि आप इसको अप्लाई करें, आप बगैर अप्लाई किए भी देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको ये टूल्स क्या क्या कर सकते हैं। सही है, ओके करेंगे तो ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। प्लस आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको इस तरह से कंप्रेस भी कर सकते हैं। ये शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से चलेगा, छोड़ देंगे तो ये इस तरह से होगा। तो इसके अंदर थोड़े लिमिटेड टूल्स हैं, इसके साथ हम लोग ज़्यादा नहीं खेल सकते और इसको हम लोग मास्क भी कर सकते हैं कि जैसे फॉर सपोज हमने एक फ्रेम बनाया, सही है, इस फ्रेम को हम इसके ऊपर रखते हैं, सही है, इस इमेज के ऊपर रखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिप मास्क, क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो क्या करेगा कि इसको एज अ फ्रेम के तौर पे इसने कॉल करा लिया और इसके अंदर आपको वो इमेज शो करा रहा है। आप इसके अंदर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने स्ट्रोक दे दिया तो ये इसका प्रॉपर फ्रेम बन गया। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ब्लू कलर की लाइन आई की, वो बता रहा होगा कि आप अंदर के हिस्से में काम कर रहे हैं। तो आपने इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लिया और आप बाहर डबल क्लिक कर दिया तो ये नॉर्मलाइज हो गया। अब आप इसको पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो फ्रेम हिलेगा, करेक्टर अंदर का नहीं हिलेगा, जो इमेज है वो उस फ्रेम के साथ एडजस्ट हो गई है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करें तो आप इमेज इसे मूव कर सकते हैं। तो इसे आपने पाँव वाला से एरिया सेलेक्ट कर लिया, बाहर क्लिक कर दिया तो ये अब इस तरह से आप मूव हो सकता है। तो ये आप फैक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर रास्टर इमेजेस को भी इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आपको लेयर दिख रहा है, अगर ना दिख रहा हो और विंडोज़ में जाएं, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर विजिबल हो जाएगी और इसका शॉर्टकट F7 है। लेयर्स के अंदर आप बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं तो वो खुद ब खुद अलग अलग एक ही लेयर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप अगर चाहते हैं कि ये एक ही में शो हो तो आप सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं, तो ये एक ग्रुप में कन्वर्ट हो सकती है। सही है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आप कुछ लेयर को अलग रखना चाह रहे हैं या साथ रखना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली अलग अलग लेयर यहाँ से जाके क्रिएट करें, तीन लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। सही है। पहली लेयर पे फॉर सपोज मैंने एक सर्कल शेप बना लेता हूँ, सही है, बल्कि पहले पॉलीगोनल शेप बना लिया, सही है। सेकेंड लेयर मैंने क्रिएट की, इसके अंदर मैंने क्लिप्स वाला शेप बना लिया, इसका कलर मैंने तो दूसरा रख दिया। फिर मैंने थर्ड लेयर बनाई और उसके अंदर मैंने एक और शेप क्रिएट कर दिया। तो जो सबसे टॉप लेयर है उस वो सबसे ऊपर दिख रही है, बाकी दोनों उसके नीचे है। ऐसे ग्रीन इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर मौजूद है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इस लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लॉक कर लिया, सारे ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, ये नहीं मूव कर रहा, या ना इसके ऊपर मैं कोई काम कर सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ से लेयर लॉक हुई हुई है। इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ कि कभी ये मौजूद है लेकिन मैंने अभी हाइड कर दिया, मैं अभी नहीं दिखाना चाह रहा, तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह के ऑप्शन आप लेयर के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं और आप उसको ड्रैग करके डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि एक ए शेप लिया हमने, एक स्क्वायर शेप ले लिया, एक हमने यहाँ पे पॉलीगॉन, लेकिन तीन वाला जो कि ट्राइंगल बन जाएगा वो शेप ले लिया। सही है, हमने सबको एक साथ रखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए, तो इसका दो तरीके, राइट क्लिक करके अरेंज में जाऊँ, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये टॉप पर आ जाएगा। इसका कलर चेंज कर लें ताकि क्लियर अंदाज़ा हो सके। सही है, तो ये टॉप पर आ गया, सबके टॉप पर आ गया, राइट क्लिक किया, यहाँ रेंज पे जाए, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट। अब आपको पीछे ले जाना है तो शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पर दबाएंगे, सबसे पीछे चला जाएगा।
और सिर्फ कंट्रोल ब्रैकेट दबाएंगे क्लोज का तो एक एक करके ऊपर आएगा, और फिर ऊपर पर दबाएंगे तो एक एक करके ये पीछे जा सकता है। तो आप इस तरह से इसके अंदर मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हमने लेयरिंग के बारे में और ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट के बारे में, कौन से ऑब्जेक्ट किसके ऊपर हो सकता है, किसके पीछे हो सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि हम इसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपने आर्ट वर्क बनाया है तो इसको हम लोग किस तरह सेव कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ फाइल में चले जाइए, यहाँ पे सेव एस का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने सेव नहीं किया तो डायरेक्ट सेव और सेव एस एक ही तरह काम करेगा, वो आपसे नाम पूछेगा फाइल के। तो आप फॉर सपोज कोई भी नाम रख देते हैं, सैंपल टू रख देते हैं, और यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर आप बहुत सारे ऑप्शन है कि एक AI बेसिकली इलस्ट्रेटर की ही फॉर्मेट की फाइल है, जो कि जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो AI के अंदर खुलेगी और सारी लेयर सारे ऑब्जेक्ट के साथ खुलेगी रिसोर्स वाइज, बाद में जो आप एडिट कर सकें। तो एक एक फाइल आप इसमें ज़रूर सेव किया करें, जैसे फोटोशॉप की जो फाइल है PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, वो उस तरह सेव होती है। इसमें इलस्ट्रेटर की फाइल AI के नाम से सेव होती है, तो आप एक कॉपी तो इस तरह सेव कर लिया करें हमेशा। तो ये आपसे पूछता है कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मजीद रखना चाह रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप वर्जन सिलेक्ट कर लिया करें, जैसे कि आपने लेगेसी वाला कर लिया, तो ये जितने भी CC हैं तम पे नॉर्मल तरीके से खुलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब जैसे 2020 वाला सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि पुराने वर्जन में खुलते हुए ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास और पुराना वर्जन है तो आप और पुराना वर्जन सेलेक्ट कर लें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पिछले पुराने इलस्ट्रेटर के अंदर भी खोला जा सकता है। तो ये आपको जैसे इसने एक थोड़ा सा हेडसेट बता दिया कि भाई अभी जो चीज़ आप कर रहे हैं ये नया जो टूल है ये वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उधर पुराने इलस्ट्रेटर में वो चीज़ें नहीं अवेलेबल है, तो इस तरह की ये वार्निंग और इन्फॉर्मेशन दे देता है। आपने सेव किया, ये फिर आपसे दोबारा पूछा है कि लेजिसी में करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे, तो यू डू नॉट शो पे कर दें, ओके कर दें, तो ये आपका फाइल सेव हो गया। आप देख सकते हैं फिर वैस खोलिएगा, ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है यहाँ पे। अब आपको इसका प्रिंट निकालना है, या आपको कोई JPEG वर्जन, PSD वगैरह वर्जन चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। सेव एस के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसको आप PDF भी बना सकते हैं, एडोब PDF। ये PDF बनने के बाद ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडोब पे खुले, ये कहीं पे भी खुल सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी खुल सकता है, यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आप क्वालिटी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स इसके हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, किस वर्जन तक की कैपेबिलिटी चाहिए, कंपैटिबिलिटी। ये याद रखिएगा कि जितना पीछे रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है कि वो पुराने वर्जन के ऊपर भी वो चीज़ें खुल सकती हैं। कंप्रेशन का है, कितना किस तरह का कंप्रेशन रखना चाह रहे हैं, आउटपुट कैसा दिखाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जब अब आप PDF क्रिएट करने जाएँ तो इसका इम्बर्ट थंबनेल कर लें, तो वो जो छोटी सी जो फाइल बनेगी उसके अंदर उसका प्रीव्यू आ रहा होगा, थंबनेल प्रीव्यू आ सकता है। अगर ये हटा दें तो ये भी ऑप्शन है, यहाँ से हटाया जा सकता है। सही, फास्ट वेब के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, डाउन साइज हो जाएगा, तो ये भी आप किया कर सकते हैं। आपने जैसे कि यहाँ पे सेव कर दिया तो आप ये भी जाके देख सकते हैं, ये खोला आपने तो यहाँ पे PDF फाइल इस तरह से आपको दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको JPEG में निकालना है या आपको PNG में निकालना है तो यहाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सेव फॉर वेब कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की वही वाला शॉर्टकट की है जो फोटोशॉप में था, अल्टर शिफ्ट कंट्रोल एस, ये दबाएंगे तो ये आपके पास एक सेव फॉर वेब का फॉर्मेट खुल जाता है, विंडो खुलती है। इसके अंदर तीन चार ऑप्शन है, आप इसको जिफ में, PNG के अंदर, इन सारी चीज़ों में सेव कर सकते हैं। अगर आप JPEG करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी एम्प्टी स्पेस होगी उसको वो वाइट बैकग्राउंड से कन्वर्ट कर सकता है, तो बेसिकली मेट कहलाता है। तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं जो आपको सही। आज आप आई ड्रॉपर चूज़ कर लिया तो यहाँ से आप कोई कलर डाल दें तो वो बैकग्राउंड कलर ये चूज़ कर लेगा। ये सारी है, यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जस्ट लाइक फोटोशॉप। उसके बाद आप यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक है तो आप जितने बड़े साइज का भी इमेज बनाएंगे तो इमेज ख़राब नहीं होगा, रादर देन आपने कोई भी साइज वहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर लेके रखा हो। आप उसे 10 गुना बड़ा साइज का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मैं प्रिंट आउट कह रहा हूँ कि JPEG जो आप निकाल सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ओरिजिनल लिखा आ रहा है कि ये ओरिजिनल है, तो आप इससे बढ़ के भी जा सकते हैं, इमेज ख़राब नहीं होगी। सही, सेव करेंगे आप तो आप कहीं पे भी ले जाके, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, ये आपकी इमेज आ गई है, ये आपका खुला हुआ इमेज है। सही है,
दूसरे फाइल, ये आप दोबारा से इलस्ट्रेटर पे आ जाते हैं। तो आप कोई भी फाइल यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेव एज अ कॉपी कर सकते हैं, सेव एज अ टेम्पलेट कर सकते हैं, ये टेम्पलेट बन के आपका सेव हो जाएगा, बाद में इसी टेम्पलेट को आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन है। एक ऑप्शन रिवर्ट का है, आप रिवर्ट दबाएंगे तो ये जैसे फर्स्ट टाइम सेव किया होगा तो ये उस पर चला जाएगा। तो जो भी जैसे कि है, फॉर सपोज मैंने इसको यूज करके हिला दिया लेकिन ये PDF में सेव था, मैंने दिया रिवर्ट दबाया तो ये रिवर्ट हो जाएगा जैसे कि सेव किया था लास्ट टाइम। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एक और टूल मैं आपको बताता चलूं कि इलस्ट्रेटर में एक ख़ास बात यह है कि अगर आपने बहुत सारी ग्राफिक्स बनाई हुई है और आप इसका वायर फ्रेम देखना चाहते हैं तो आप सिंपल कंट्रोल वाई दबाएंगे, ये वायर फ्रेम के अंदर चला जाएगा, सारे कलर्स हट जाएंगे, सिर्फ आउटलाइनिंग्स होंगी। सही है, वो आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं कि अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आप उसमें सिर्फ लाइन को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह के वाई फ्रेम के अंदर कंट्रोल वाई दबा के जा सकते हैं और आ सकते हैं, ये चीज़ें आप इधर कर सकते हैं। एक और टूल है कंट्रोल आई, इससे आप स्पेल चेक कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो ये आपके स्पेल चेक करके बता देगा कि कोई स्पेलिंग गलत है तो वो चेंज कर लो, तो ये भी ऑप्शन है एक अच्छा सा। और कंट्रोल पी से आप प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट पे जा सकते हैं, यहाँ से आपके प्रिंट के ऑप्शंस हैं कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहे, प्रिंट से रिलेटेड PDF वही बनती है प्रिंट के अंदर, और आपके अपने मुख्तलिफ किस्म के फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंटर पे भी भेज सकते हैं उसकी सेटिंग वगैरह करके, तो ये प्रिंटेबल हो सकती है जो भी ग्राफिक्स आपने बनाई है। एंड में कुछ थोड़े से टूल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं जो हमने थोड़े से छोड़ दिए थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स नहीं है लेकिन चलें थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। कि जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके पास आपके पास यहाँ पर एक शेयर टूल है, तो शेयर टूल बेसिकली इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हिला सकते हैं, उसका डिस्ट्रॉट कर सकते हैं, इस तरह से इस चीज़ को डिस्ट्रॉट कर सकता है। फिर आपके पास यहाँ पर एक सीजर टूल है, एक इरेजर टूल है, इरेजर टूल भी इस तरह से आप इसको मिटा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस तरह से ये कट भी हो रहा है साथ साथ ही मिट भी रहा है, तो ये एक छोटे छोटे पीसेस में हो गया, आप यहाँ से इसको अलग अलग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। सही है, इसके अंदर फिर आपके पास सीजर टूल है, इसको काम करने के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टूल है, इतने आसानी से नहीं चलता। जैसे कि आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ से टूल लिया, यहाँ पे आपने एक पॉइंट रखा इस तरीके से, ये इसने कट कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी थोड़ा इसका अनयूज टू हूँ, तो ये बेसिकली काटने के लिए यूज़ होता है, इंटरसेक्शन पर पॉइंट क्लिक करना पड़ता है तो ये इस तरीके से काटना शुरू कर देता है। ये सीजर टूल आ गया। सही है, ये टूल आप छोड़ दें, बेकार है। मैश टूल है, ये ग्रेडियंट और मैश दोनों के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आपने इस पर क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट करके तो ये इस तरह से इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकता है। इसके अपने वो हैं कि इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आप दूसरा कलर डाल सकते हैं। सही है, जब आपने खोला आपने यहाँ पे वाला कलर डाल दिया, इस साइड पे आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपने पिंक कलर डाल दिया, यहाँ पर ये वाला कलर डाल दिया, तो ये कुछ इस जैसा लुक जनरेट कर दिया इसने। तो ये एक आपका ग्रेडियंट टूल हो गया, ये पिकर है कलर कोई सा भी, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब आपने ये सेलेक्ट करके यहाँ पे आई दबा के ये पिक कर लिया तो ये कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ये वाला टूल है, एक ये है आर्टबोर्ड का टूल, यहाँ पे शिफ्ट ओ इसका शॉर्टकट है। सही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बता देगा कि आपका एक आर्टबोर्ड बना हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे रख के आप दूसरा आर्टबोर्ड, तीसरा चौथा आर्टबोर्ड बना सकते हैं। सही है, तो ये बेसिकली अलग अलग है, आप इसको जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर ये वो प्रिंट स्क्रीन पे जाएगा। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लोरम ASD लिख दिया, तो ये एक यहाँ पे ASD लिख दिया और एक यहाँ पे लिख दिया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये थोड़ा सा एक ब्लैक आउटलाइनिंग आ रही है, अभी कंट्रोल शिफ्ट S दबाऊंगा तो ये सिर्फ पर्टिकुलर उसी को ही उठा के लेकर आएगा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल शिफ्ट S दबाऊंगा तो ये उस चीज़ को उठा के लाएगा, ये इसमें मैट आ रहा है, मैट हटा दें तो देखा। अब जैसे कि मैंने ये वाले आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया और मैं इसको प्रिंट पे ले जाऊंगा तो ये इस वाले आर्टबोर्ड को लेकर आ रहा होगा, तो ये आर्टबोर्ड आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपके पास जूम का टूल है, इसका शॉर्टकट Z है,
इसमें जिस बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन आता है, आप क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, अल्ट दबा देंगे तो ये जूम आउट कर लेगा, सही है। किसी भी जगह पे आप क्लिक करेंगे तो जूम इन कर सकता है। अच्छा, इसको क्लिक करके माउस ऊपर की तरफ जाएंगे तो और जूम आउट हो रहा होगा, माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये जूम इन हो रहा होगा। तो ये इस तरह से काम कर भी सकता है दोबारा से ना। ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे आप अल्ट दबा के माइनस कर सकते हैं और नॉर्मल क्लिक करके इसको जूम इन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये टूल भी काम करता है, सही है। और ये आपके पास जो है आपका हैंड टूल है, ये बेसिकली ये पकड़ के एच का शॉर्टकट की है और ये स्पेस बार से भी आता है। ये आपके पूरे हार्डबोर्ड को हिलाने के लिए, मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे छोटे मोटे टूल्स हैं, इसके बेस पे आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। होप सो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इलस्ट्रेटर से रिलेटेड। और मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर सकूँ जो ज़्यादा ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। इसमें है तो बहुत सारे ऑप्शन जो हम लोग पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर, लेकिन ये वो सारे टूल्स हैं जिसको आप यूटिलाइज करते हुए बेसिक अपना लोगो बना सकते हैं, हेल्प हो सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, अपने लिए सेव कर सकते हैं। तो आप मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए, और भी टूल्स अवेलेबल हैं, उसको भी चला सकते हैं। ये मैंने ज़्यादातर वही टूल स्टडी किए हैं, आपको बताने की कोशिश की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके एक्सपर्ट बन सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।